आपकी बात हो रही होगी अपने फ्रेंड से, अपने घर वालों से जो वहां पर मौजूद हैं, करीब 2 महीने पहले उनकी बातचीत और आज की बातचीत में आप क्या देख रहे हैं? देखिए, पिछले 30-32 सालों से यही हो रहा है, इसी तरह के ऑपरेशंस गाहे बगाहे होते चले जा रहे हैं। उसका कारण एक है कि हम टहनियों और पत्तों को छांट रहे हैं, हम जड़ पर नहीं वार कर रहे। जिस दिन हमने जड़ और तने को निशाना बनाया, टहनियां और पत्ते कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये जो दिल जीतने की सनक है, ये जो कभी हाँ कभी ना, एक कदम आगे दो कदम पीछे का जो तरीका है, इसी ने इस दर्द को इतना लंबा खींच दिया है। मैं तारिक फतेह साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूं। दुनिया भर को हम कहते फिर रहे हैं कि पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क घोषित कीजिए, टेररिस्ट नेशन डिक्लेयर कीजिए। हमने खुद अभी तक नहीं किया है, हमें सबसे पहले ये करना चाहिए। दूसरा, हमें अपने सारे व्यापारिक संबंध तोड़ देने चाहिए, बिल्कुल जीरो कर देना चाहिए। तीसरा, उतना काफी नहीं है, हमें पाकिस्तान पर FATF की ब्लैकलिस्ट का इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें खुद उसको ब्लैकलिस्ट करके उस पर सैंक्शंस लगाने चाहिए और दुनिया भर के देशों और कंपनियों को कहना चाहिए कि आपको हम में और पाकिस्तान में से एक को चुनना होगा। मैं देखता हूं दुनिया का कौन सा मुल्क, चीन को छोड़ दीजिए, तुर्की को छोड़ दीजिए, उन्हें भी बहुत तकलीफ होगी, मलेशिया को भी बहुत तकलीफ होगी, पाकिस्तान और भारत के बीच में चुनाव करने में। ये बहुत बड़ी खबर कह रहे हैं, पाकिस्तान के संदर्भ में बड़ा अनाउंसमेंट और एक तरीके से बड़ा बड़ा स्टेटमेंट है ये सुशील पंडित जो कह रहे हैं कि आप ये कह दीजिए अब बाकी दुनिया से तय करना होगा और चुनना होगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान में से एक। फखर यूसुफजई का इस पर कमेंट लेता हूं, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर देखिए। पाकिस्तान के लिए आज एक बड़ी खबर कर रही है इंतजार, एक बार फिर से ब्लैकलिस्ट में नाम शामिल हो सकता है पाकिस्तान का। सुशील पंडित कह रहे हैं इंतजार मत कीजिए, आप तो ब्लैकलिस्ट कीजिए, FATF में 6 महीने के लिए फिर से लग सकती है पाबंदी। पाकिस्तान ने फिर से नियमों की अनदेखी की है, अप्रैल 2022 तक पाकिस्तान पर पाबंदी लगना तय, ग्रे लिस्ट में है, 2018 जून के बाद से ग्रे लिस्ट में है। इसके बावजूद ग्रे लिस्ट में है कि वो लगातार जो 26 सूत्रीय एजेंडा है उसका पालन नहीं कर पा रहा है, ना तो मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब से, ना आतंकवादियों को वित्त पोषण के हिसाब से, जो जरूरी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ग्रे लिस्ट में है, यह भी हैरानी है। लेकिन अब क्या होगा जरा वो देखते हैं, ब्लैक लिस्ट में होगा क्या पाकिस्तान, यह बड़ा अहम सवाल। ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान कब तक, क्यों अप्रैल 2022 तक, क्यों 27 में से सिर्फ 21 नियम माना है, 5 में से 4 देश संतुष्ट नहीं है, सिर्फ चीन कर रहा है अपने आयरन ब्रदर की पैरवी। कौन कौन से देश खिलाफ हैं? ब्रिटेन खिलाफ है, फ्रांस खिलाफ है, अमेरिका खिलाफ है, जाहिर है हिंदुस्तान खिलाफ है, लेकिन चीन पक्ष में खड़ा हुआ है। और चीन के पक्ष में खड़े होने से ही पाकिस्तान को वो मौका मिलता है जहां शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इस मंच का इस्तेमाल भी भारत अपने पाकिस्तान विरोधी एजेंडे के लिए कर सकता है, जैसे उसकी अपनी पूरी अपनी हरकतें सब ठीक है, बस हिंदुस्तान का एजेंडा असल में उसका प्रोपेगेंडा उसके आड़े आता है। अब जरा देखिए, सबूत ही सबूत हैं, विदेशी आतंकी संगठन कितने सारे हैं बताने की आवश्यकता है? भारत में भारत के खिलाफ जो एक्टिविटीज चल रही हैं उसके लिए जो खास तौर से डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, वो कितने हैं? विदेशी आतंकी संगठन 12, भारत के लिए स्पेसिफिक जो संगठन बनाए गए हैं 5 कम से कम, पनाहगार पाकिस्तान, और ये अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट है, हालांकि ये भी सूट नहीं करती, इसको भी रद्दी की टोकरी में डाला जाएगा, लेकिन क्या FATF में ऐसा होगा? इसका असर क्या होगा जरा वो जल्दी से देखते हैं। असर ये होगा कि IMF, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ से आर्थिक मदद नहीं मिलेगी अगर ब्लैकलिस्ट में चला गया तो। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।